इस मुख्तसर से अफसाने का नाम चेख है। खजान की मीठी मीठी ठंड शुरू हो चुकी थी, रात का वक्त था। सिनेमा का आखिरी शो देखकर एक नौजवान उस सनसान सड़क पर अकेला एक फिल्मी गाना गाता हुआ चला जा रहा था, अपनी ही धुन में, अपनी ही लय में, अपनी ही मस्ती में। सड़क सनसान, रात की तारीखी, खामोशी और अकेलेपन से बेपरवाह मस्त आगे ही आगे को बढ़ता हुआ। आँखों में नींदें न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार। एक जगह सड़क के किनारे खपरेल की पनाहगाह में एक अधेड़ उम्र की भिखारन चीथड़े और टाट के टुकड़े तरतीब से रख कर लेटने की तैयारी कर रही थी। शायद वो भी बस्ती के बाजार से मांग कर देर से ही लौटी थी या पेट का साधन करने में देर हो गई। जो ही गाना गाता हुआ नौजवान उसकी जाए पनाह के सामने से गुजरा और गाने के बोल उसकी समाज से टकराए तो वो चौंक पड़ी और बेचैन सी हो गई। नौजवान अपनी ही धुन में मस्त आगे बढ़ता चला गया, उसने भिखारन को नहीं देखा। अलबत्ता भिखारन ने नज़र उठाकर उसको लंबे लंबे ढक भरते हुए सड़क से गुजरते देखा। जब नौजवान ने मिसरा लगाया, प्यार जिंदगी में होता है एक बार, तो भिखारन के मुंह से दर्द और करब से भरपूर एक जोरदार चीख निकली। नौजवान दूर जा चुका था, उसने दर्द भरी भयानक चीख नहीं सुनी, मगर उस चीख ने खामोश समा का सीना चीर कर रख दिया। उस चीख ने सुनसान रात के कलीजे पर दराड़ें डाल दी, मगर वो चीख इंसानों के कानों में नहीं पड़ी। पड़ती भी तो क्या होता, ऐसी चीखें कई लोगों के कानों में रोज़ पड़ती रहती हैं, मगर वो उनको सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, अपने राह लेते हैं, कोई तवक्कुफ या तवज्जा नहीं करते। बल्कि कुछ लोग तो उन चीखों पर कहकहे लगाते हैं। इसलिए उस चीख का दर्द और करब फकत भिखारन तक ही महदूद रहा। उसके दिल में एक टीस उभरी और एक इज्जतनाक दर्द जागा जिसने उसके सारे वजूद को हिला कर रख दिया। वो चीख उसके वजूद के साथ ही घुट के रह गई। वक्त का धारा बहता रहा, आगे ही आगे को दौड़ता रहा, दुनिया का चक्कर चलता रहा और रात बीतती रही।